जैसा कि आप लोगों को पता है, सैमसंग गैलेक्सी M21 में सेकेंड अपडेट आ चुका है और मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना कर रखा हूँ। और मुझे कमेंट आया था कि अपडेट करने के बाद इसका एंटूटू बेंचमार्क कितना निकल के आता है। आज का इस वीडियो में मैं यही दिखाने वाला हूँ और मैं पिछला वाला एंटूटू बेंचमार्क के साथ अभी जो एंटूटू बेंचमार्क निकलेगा उसको कंपेयर करके दिखाऊंगा कोई इंप्रूवमेंट आता है या नहीं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने एंटूटू बेंचमार्क निकल के आता है। और मैंने यहाँ पर कुछ भी कट नहीं किया है, सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप लोग पूरा टेस्ट देख पाओ और आपको अंदाजा लग सके कि ये टेस्ट कैसा चल रहा है। तो देखते रहिए। फाइनली अब स्कोर निकल के आ चुका है और जैसा कि आप लोग देख सकते हो स्कोर है 1,66,800 और अपडेट से पहले जो स्कोर था वो 1,67,000 प्लस था। अपडेट के बाद स्कोर थोड़ा सा कम हो चुका है, लेकिन आप अगर जीपीयू स्कोर की तरफ ध्यान दो तो आप देख पाओगे कि 1,000 स्कोर ज्यादा निकल गया है इस बार। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर हो चुका है, इसी की वजह से हुआ है लगता है। फिर भी उतना डिफरेंस नहीं है, 1000 का डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं होता है। हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस पहले जैसा ही है। एंटूटू स्कोर जितना भी निकल का आया हो, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि अपडेट करने के बाद इसका मल्टीटास्किंग और यूआई बहुत हद तक स्मूथ और फास्ट हो चुका है। इस वीडियो में मैंने दिखा दिया अपडेट करने के बाद एंटूटू बेंचमार्क कितना आया है। और ऐसे ही कमेंट में बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि इस फोन में गूगल कैमरा इंस्टॉल हो सकता है या नहीं। अगला वीडियो मैं इसी के ऊपर बनाने वाला हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।